पटियाला में अकाली लीडर जसपाल कौर धारनी की मौत का कारण उसकी इनोवा गाड़ी ही बन गई। जी हां, ये कहना है पटियाला पुलिस के अधिकारियों का, जिन्होंने कुछ दिन पहले हुए जसपाल कौर व उसके लड़के अजीत सिंह के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जसपाल कौर धारनी का ड्राइवर ने ही दोनों कत्लों को अंजाम दिया था। पहला कत्ल 9 अप्रैल को किया गया था और उसी रात उसके लड़के को बिशन नगर के मकान में जाकर लकड़ की किसी चीज के साथ उसको मारा था। पुलिस को इस बात का पता 21 अप्रैल को मालूम हुआ जब जसपाल कौर के परिजनों ने जसपाल कौर के घर से आ रही बदबू के बारे में पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो जसपाल कौर की लाश कुछ समय पहले खनौरी में मिली थी और एक टीम जसपाल कौर के परिजनों के साथ वहां पर गई और वहां पर उसकी पहचान की। उसके बाद पुलिस ने जसपाल कौर के मोबाइल व कुछ और क्लू की मदद से बकतौर सिंह तक पहुंची, क्योंकि जिस समय जसपाल कौर लापता थी तब से ही ड्राइवर का भी कुछ मालूम नहीं था। पुलिस ने जब बकतौर सिंह को गिरफ्तार किया तो ये मामला सामने आया कि बकतौर सिंह ने गाड़ी की लालच में पहले जसपाल कौर को और बाद में उसके लड़के को ठिकाने लगा दिया। वहीं इस मन में जब आरोपी कातिल बकतौर सिंह से बात की तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने गाड़ी की लालच में जसपाल कौर को व उसके लड़के को मारा है। भले ही पटियाला पुलिस ने 3 दिनों के अंदर इस कत्ल को हल कर दिया है, लेकिन कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर बकतौर सिंह ये सब लालच के चलते कर रहा था, क्यों उसने जसपाल कौर के जेवर नहीं लूटे, जबकि जसपाल कौर ने 1.5 लाख के करीब जेवर उस समय डाले हुए थे। वहीं अजीत को मारने के बाद भी उसने घर में से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। 21 अप्रैल को शाम के वक्त इन्फॉर्मेशन मिली सी बिशन नगर के जसपाल कौर धारनी प्रेजिडेंट ने स्त्री अकाली दल पटियाला दे उन्होंने घर में काफ़ी स्मैल आ रही थी। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने सिस्टर्स ते उन्होंने जिहड़े बहनोई सी उन्होंने पुलिस नूं दित्ती। पुलिस मौके पर पहुंची, नेबरस के घर के रस्ते उन्होंने उसके जसपाल कौर के घर एंटर किया, बाहरों लॉक लगे हुए सन, लॉक तोड़ के अंदर घर च एंटर करके देखा तो अगे बैडरूम के अंदर एक डेड बॉडी पई सी जिहड़ी कि काफ़ी डीकंपोज सी, काफ़ी कीड़े वगैरह चले हुए सन। उन्होंने आइडेंटिफाई करके पता लग्या कि यह इन्हों के बेटे की है, अमृत इंद्रजीत गोनी की है। उस तो उपरंत जसपाल कौर का उत्थे कोई पता नहीं लग रहा, फिर बाद पता लग्या कि इहदी जिहड़ी डेड बॉडी है एक जसपाल कौर दे नाल मैच दे फीचर्स नाल मैच करती हुई वो खनौरी नहर दे विच शायद उतों गोताखारा ने डिटेक्ट की सी, जिहदी फोटोग्राफ्स तो प्रोबेबिलिटी लग रही थी भी शायद वह जसपाल कौर है। दोनों की डैथ होनी तो घर चो इन्नी देर मिसिंग होने इन्हों पुलिस वालों 302-365 IPC का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश आरंभी गई थी कि हुण तक की तफ्तीश असी की है, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, जो फैक्ट साढ़े को आए हैं, स्टेटमेंट्स ने कले कले बंदे की असी अनालिसिस कीतियां ने टैक्निकल भी होर भी उन्होंने तो असं इस नतीजे पर पहुंचे भी फिलहाल यदि इनवॉल्वमेंट है, जे कोई होर होगी किसी भी एंगल के उत्ते तो वह तफ्तीश के दौरान सामने लिया जाएगी। इन्वेस्टिगेशन असी क्लोज तक कर दी नहीं, पर असी क्योंकि साडा मेन जिहड़ा सस्पैक्ट जिहड़े ने मर्डर किया वो साडे असी उहदे च उहनूं अरैसट कर लिया। ये गगड़पुर तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट बरामद की है, ये इन्हें अपने रिलेटिव के घर छुपा के रखी सी उत्थे उतों ये पूछगिछ तो ही बरामद की गई। पटियाला से आजाद TV न्यूज़ के लिए वरिंदर सैनी की रिपोर्ट।